सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम आर्कटिक में बने एक लैब को देखते हैं, जहां पर उस बेस के चीफ रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर हिरोशी हटाकी और हेड ऑफ सिक्योरिटी डैनियल दोनों ही एंटीवायरस सूट्स पहनकर लैब के एक कमरे में जाते हैं, जहां पर वो बहुत ही बुरी हालत में दो लोगों की लाश तो वहीं डॉक्टर पीटर को जमीन पर तड़पते हुए देखते हैं और पीटर की हालत भी किसी अजीब वायरस से खराब हो चुकी थी। तब हटाकी उसके पास आकर उसे पानी पिलाता है, जिसके बाद पीटर कुछ बोलना चाहता था पर उसकी आवाज ही नहीं निकलती। अब इसके बाद हम अटलांटा में बने CDC यानी कि सेंट्रल डिजीज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में डॉक्टर एलन फेरागट को एक मीटिंग में देखते हैं, जो अपने जूनियर्स को दुनिया में फैलती बीमारी और वायरस के बारे में बता रहा था। और तभी वहां पर उसकी एक्स वाइफ डॉक्टर जूलिया वॉकर आती है, जिसे देख कर एलन अपनी मीटिंग को वहीं पर खत्म कर देता है और जूलिया के साथ चला जाता है, जहाँ जूलिया उसे मेजर सर्जियो के पास लाती है, जहाँ पर डॉक्टर सेरा जॉर्डन और डॉक्टर डोरियन भी आई होती है। और वहां पर मेजर सर्जियो एलन को बताता है कि आर्मी को आर्कटिक की प्राइवेट रिसर्च बेस बिग फार्मा से एक कॉल आया था और उन्हें बताया गया कि वहां के लैब में कोई अजीब वायरस फैल गया है, जिससे दो लोगों की मौत हो गई है और एक मरीज अभी भी जिंदा है। इसलिए एलन को वहां पर बुलाया गया है, जिसके जवाब में एलन कहता है कि CDC में 6 बेहतरीन डॉक्टर है, फिर उसे क्यों बुलाया जा रहा है। तब जूलिया उसे बताती है कि तीसरा मरीज उसका भाई डॉक्टर पीटर फेरागट है, जिसके बारे में सुनकर एलन हैरान हो जाता है। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि जूलिया एलन की एक्स वाइफ के साथ साथ पीटर की एक्स लवर भी है। अब अगले दिन हेलीकॉप्टर से एलन, डोरियन, सेरा और जूलिया सभी मेजर के साथ आर्कटिक के रिसर्च बेस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर एलन सभी लोगों को उनके काम के बारे में समझाता है और डोरियन को पीटर के लैब और वहाँ पर रिसर्च के लिए यूज होने वाले सभी जानवरों के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर कुछ घंटे बाद सभी उस लैब पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सभी डॉक्टर हिरोशी हटाकी और सिक्योरिटी गार्ड डैनियल से मिलते हैं, जहाँ हिरोशी उन्हें बताते हैं कि ये वायरस हवा के जरिए नहीं फैल रहा है। फिर डैनियल सभी के हाथ पर एक बायोचिप इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो सभी उस बेस के सिक्योरिटी लॉक्स को ओपन कर सके। अब उसके बाद एलन और जूलिया एंटीवायरस सूट पहनकर पीटर के पास आते हैं, जहाँ पर पीटर को आइसोलेट किया गया था और पीटर की इस हालत को देखकर एलन और जूलिया बहुत दुखी होते हैं, जिसके बाद एलन पीटर से उस बीमारी के फैलने का कारण पूछता है। तब पीटर उसे व्हाइट रूम के बारे में बताता है, जिसके बाद जूलिया टेस्ट करने के लिए पीटर का ब्लड सैंपल लेती है और एलन को बताती है कि उसका ब्लड सैंपल एकदम काला हो चुका है। पर तभी अचानक से पीटर उठकर जूलिया से इंजेक्शन छीन लेता है और एलन पर हमला करने की कोशिश करने लगता है और साथ ही कहता है कि सब लोग झूठे हैं। पर जूलिया किसी तरह से उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर डोरियन मेजर साजियो के साथ पीटर के लैब में जाती है और वहां पर सब कुछ अच्छे से चेक करती है, जहां उसे बहुत से चूहे शीशे में बंद मिलते हैं। फिर वो डैनियल से लैब के बंदरों के बारे में पूछती है, जिस पर डैनियल उसे बताता है कि इस रिसर्च बेस पर बंदरों पर प्रयोग नहीं होता, जिसे सुनकर डोरियन को यकीन नहीं होता और वो हैरान हो जाती है। उधर एलन, जूलिया और सारा एंटीवायरस सूट पहनकर इन्फेक्टेड लाश को देखने जाते हैं, जो मरने से पहले पीटर के साथ लैब में काम कर रहे थे। अब सारा जैसे ही उनमें से एक लाश का कवर खोलती है तो उसमें से काला लिक्विड नीचे गिरने लगता है, जो दरअसल उस लाश का मांस था जो पिघल गया था, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। दूसरी ओर डोरियन पीटर के लैब में एक चूहे को देखती है, जो किसी वायरस से इन्फेक्टेड था। और तभी वहां पर मेजर को बेसिन से बंदर का कुछ बाल मिलता है, जिसे देखकर डोरियन कहती है कि यहाँ पर बंदर थे और उन पर टेस्ट किया जा रहा था और शायद ये वायरस भी बंदरों से ही इंसानों में फैला होगा, जिससे उसे समझ आता है कि डैनियल हमसे कुछ छिपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया डॉक्टर हिरोशी के पास जाती है और उनसे पीटर के रिसर्च और टेस्ट के बारे में पूछती है। तब हिरोशी उसे एक बॉक्स देता है, जिसमें पीटर के रिसर्च की जानकारी थी। उधर एलन पीटर के रूम में जाता है और उस रूम को चेक करने लगता है और तभी वहां पर वो एक पेन ड्राइव चिप को देखता है और उसे कंप्यूटर में लगाकर चेक करता है, जहां वो पीटर की एक वीडियो को देखता है, जिसमें पीटर बात करते समय अपनी उंगली से एक इशारा कर रहा था, जिस इशारों को पीटर बचपन में एलन के लिए करता था ताकि वो डैड
के गुस्से से बच सके। पर तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है और एलन को आइसोलेशन रूम चलने के लिए कहती है, जहाँ एलन देखता है कि पीटर वहाँ की एयर डेक को तोड़कर उसके रास्ते से भाग गया है। जिसके बाद डॉक्टर हिरोशी डैनियल को एयर डेक में हेलोजन गैस चालू करके उसे सील करने के लिए कहता है, ताकि पीटर अंदर ही फंसा रहे और किसी दूसरे को इन्फेक्ट ना कर सके। और इस पर एलन हिरोशी से कहता है कि पीटर के जरिए ही वो इस वायरस के बारे में पता कर सकता है और ये भी कि ये वायरस इंसान के शरीर पर क्या प्रभाव डाल रहा है और क्या पता पीटर के पास इस वायरस का एंटीडोट भी हो, इसलिए पीटर उसे जिंदा चाहिए। पर हिरोशी कहता है कि वो बेस के लोगों के लिए वायरस को हल्के में नहीं ले सकता, इसलिए अब डैनियल एयरडक में गैस चालू करके उसे सील कर देता है। दूसरी तरफ डोरियन और मेजर एक बंद कमरे के पास जाते हैं पर वो उसका सिक्योरिटी लॉक नहीं खोल पाते। तब मेजर उस लॉक को लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से तोड़ देता है और अब दोनों अंदर जाकर देखते हैं जहां पर बहुत ही अंधेरा रहता है। वहीं एलन ऑक्सीजन मास्क पहनकर एयरडक में पीटर को खोजने के लिए चला जाता है और उधर डोरियन और मेजर को उस बंद पड़े कमरे में बहुत सारा खाली पिंजरा मिलता है और तभी डोरियन वहां पर किसी जानवर के भागने की आवाज सुनती है और टॉर्च से एक छोटे से बंदर को देखती है और उसे अपने पास बुलाती है। उधर एडक में एलन एक लाश को देखता है जिसे वो पीटर समझता है और उसके पास जाता है, पर तब वो देखता है कि वो लाश पीटर की नहीं है और उसका एक हाथ भी कटा हुआ था, इसलिए अब वो उसकी लाश को एडक से नीचे उतार लाता है। वहीं दूसरी तरफ डोरियन पर वो जानवर हमला कर देता है और उसे काटने की कोशिश करने लगता है, पर तब तक मेजर उसे एक डंडे से मारता है जिससे वो जानवर वहीं मर जाता है। जिसके बाद डोरियन मेजर को चेक करने के लिए कहता है कि कहीं उस जानवर ने उसे काट तो नहीं लिया, जिस पर मेजर उसे बताता है कि वो ठीक है और बंदर ने उसे नहीं काटा। इसके बाद डोरियन उस जानवर को देखती है जो किसी वायरस से इन्फेक्टेड एक बंदर था और उस पर किसी तरह का कोई टेस्ट किया गया था। अब इसके बाद मेजर अपने साथ लाए सिग्नल डिवाइस को बेस के बाहर ले जाकर उससे अपने मोबाइल का नेटवर्क कनेक्ट करता है और वापस बेस की ओर आने लगता है, पर तभी उसका ध्यान उसके पीछे बर्फ ओर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बंदर बर्फ में जमे हुए हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। वहीं बेस के अंदर जूलिया पीटर के ब्लड सैंपल्स के टेस्ट को एलन को दिखाती है और बताती है कि ये वायरस पीटर को अधिक ताकतवर और गुस्सेल बना रहा है। और उधर दूसरी तरफ पीटर अपने साथ कटे हुए हाथ से कमरे का लॉक खोलता है और अंदर चला जाता है, जिसके बाद अंदर से कुछ लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। और इसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये पहला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम डॉक्टर सैरा को देखते हैं जो पिछली रात में हुए घटना के बारे में डॉक्टर हेवन, डॉक्टर सुलेमानी और डॉक्टर ब्रीज से उनका बयान ले रही थी, जहां वो सभी बताते हैं कि पीटर उन सब पर हमला करके अपने अंदर से उनके मुंह में कुछ लिक्विड जैसा चीज डालने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद सैरा उन तीनों को 14 दिन के लिए आइसोलेशन रूम में रहने के लिए कहती है। तब हेवन उसे बताता है कि हमले के वक्त उस कमरे में तीन और लोग थे जो वहां से भाग गए थे। दूसरी तरफ एलन जूलिया को चूहों के द्वारा इन्फेक्शन के फैलने की प्रक्रिया के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। तभी वहां पर हिरोशी और डैनियल आते हैं और तीन डॉक्टर्स के गायब होने की खबर देते हैं, जिस पर एलन कहता है कि वो मेजर के साथ बेस के हर रूम में जाकर उन डॉक्टर्स के बारे में चेक करेगा। पर तभी हिरोशी बताता है कि वो सब भी पीटर की तरह हमला कर सकते हैं, इसलिए डैनियल को साथ ले जाने के लिए कहता है, जिस पर जूलिया भी साथ चलने के लिए विनती करती है पर एलन उसे मना कर देता है और लैब में ही काम करने के लिए कहता है। उधर एक कमरे में डोरियन ईयरफोन लगाकर उस बंदर का पोस्टमार्टम कर रही होती है और तभी वो पीछे से दरवाजा खुलने का आवाज सुनती है, पर जब वो पीछे देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, जिसके बाद वो फिर से अपने काम पर लग जाती है। दूसरी तरफ जूलिया चूहों के लैब में काम कर रही होती है और तभी उसे एयरडेक में कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो ऊपर देखती है जहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है। और तभी हम एयरडेक में पीटर को देखते हैं जो जूलिया को ही देख रहा था। वहीं एलन मेजर और डैनियल के साथ डॉक्टर ट्रेसी के कमरे में जाता है जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था। तब मेजर वहाँ की खिड़की को देखकर कहता है कि शायद ट्रेसी उसे तोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खिड़की को तोड़ नहीं पाई, जिस पर फिर एलन सवाल करता है कि फिर आखिर ट्रेसी गई कहाँ। वहीं उधर डोरियन के सामने अचानक से ट्रेसी आ जाती है और वो भी वायरस से इन्फेक्टेड थी, जिसे देखकर डोरियन डर जाती है। फिर वो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उससे बात करने लगती है और उसकी मदद करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जूलिया हिरोशी के साथ लैब के सीसीटीवी
सीसीटीवी फुटेज को देखती है, जहां पर वो लैब में कुछ सामान को अचानक से गिरते हुए देखते हैं और उसके बारे में हिरोशी से सवाल करते हैं। तब हिरोशी उसे बताता है कि पीटर अपने लैब में म्यूटेजन पर रिसर्च कर रहा था। वहीं सारा आइसोलेशन रूम में जाती है और देखते है कि हेवन की हालत खराब हो रही है। तब सुलेमानी उसे बताती कि लेवल जी में ड्रग स्टॉक रूम है और वहां पर इंजेक्शन मिल जाएगा, इसलिए अब सारा लेवल जी के ड्रग स्टॉक रूम में जाती है और दवा खोजने लगती है। पर तभी उसके सामने जाले की दूसरी तरफ पीटर आ जाता है, जिसे देखकर सारा डर जाती है। फिर सारा उसे कहती कि वो सीडीसी से उसकी मदद करने के लिए आई है, पर तब पीटर कहता है कि वो सब बस यहाँ एक ही कारण से आए और डॉक्टर जूलिया ही उसकी मदद कर सकती है, जिसके बाद वो एयर डेक से ऊपर चला जाता है। उधर पीटर के लैब में जूलिया को कुछ सैंपल्स नार्विक ए और नार्विक बी के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में वो हिरोशी से सवाल करती है। तब हिरोशी उसे बताता है कि उसने पीटर को इस सैंपल्स का प्रयोग करने से मना किया था, पर पीटर नहीं माना और इस पर ही काम कर रहा था, जिसके बाद जूलिया उस सैंपल्स का फिर से चूहों पर प्रयोग करने के लिए कहती है। दूसरी ओर डोरियन से बात करते समय ट्रेसी अजीब सा हरकत करने लगती है, जिससे डरकर डोरियन वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तब तक ट्रेसी उसे पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है। पर किसी तरह डोरियन उससे बचकर बाहर आ जाती है और अब वो देखती है कि ट्रेसी की हालत खराब होने से वो बेहोश हो गई है। उधर एलन लेवल जी में सारा के पास आकर सवाल करता है कि कहीं पीटर ने उस पर हमला करके उसे इन्फेक्टेड तो नहीं किया, जिस पर सारा उसे बताती है कि वो एकदम ठीक है। और तभी वहां पर मेजर को बहुत सारा प्रयोग किया हुआ इंजेक्शन मिलता है, जिसे देखकर एलन कहता है कि पीटर दर्द में है और वो इन इंजेक्शन से अपना इलाज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे किसी तरह से पकड़कर आइसोलेशन रूम में रख सकते हैं। इसलिए अब मेजर उसे खोजने के लिए अपने साथ एक कैमरा लेता है और एयर डक में चला जाता है, जिसे नीचे एलन और डेनियल मॉनिटर पर देख रहे होते हैं। पर तभी अचानक से पीटर मेजर के सामने आ जाता है और मेजर को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो एडेक से एलन को देखता है, जिसके बाद मेजर को किसी तरह से एडेक से नीचे उतारता है और उसे होश में लाया जाता है। पर तभी वहां पर डेनियल को एक खबर मिलती है कि कोई बेस से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, जिस पर मेजर कहता है कि वो बाहर जाकर उसे पकड़ेगा और बेस के अंदर लाएगा। दूसरी ओर लैब में जूलिया अलग अलग चूहों पर नार्विक ए और नार्विक बी का सैंपल्स इंजेक्ट करती है और अब उसे समझ आता है कि नार्विक ए के कारण चूहे मर जाते हैं और उनकी लाश पिघल जाती है, लेकिन नार्विक बी वाला चूहा अजीब बर्ताव करने लगता है और फिर अपने बॉक्स को तोड़कर दूसरे चूहे के पास चला जाता है और उसे पकड़कर उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिसे देखकर जूलिया हैरान हो जाती है। वहीं आइसोलेशन रूम में हेवन का दर्द कम करने के लिए उसे एक इंजेक्शन देती है, पर तभी ब्रीस और सुलेमानी उसे बंदी बना लेते हैं और हिरोशी से उन्हें उनके लैब में वापस जाने की मांग करने लगते हैं। पर तब तक वहाँ एलन आ जाता है और उन लोगों को समझाता है और कहता है कि वो भी इस वायरस को फैलने से रोकना चाहता है, लेकिन अभी तक इस वायरस का इलाज नहीं मिल पाया, इसलिए वो उनको आइसोलेशन रूम में ही रहने का सुझाव देता है और उनके पास अपना सूट निकाल कर चला जाता है, जिसके बाद वो सारा को बाहर जाने देता है। अब इसके बाद जूलिया एलन के पास आती है और उसे उन चूहे के बारे में बताती है जिनके ऊपर उसने नार्विक सैंपल्स को टेस्ट किया था। तब एलन कहता है कि पीटर भी शायद इसी वायरस से इन्फेक्टेड है। वहीं उधर मेजर बेस के बाहर आता है और देखता है कि वहां से एक डॉक्टर आइस बाइक को स्टार्ट करके भागना चाहता है, इसलिए वो उसे तुरंत रोकता है और अपने साथ वापस बेस में चलने के लिए कहता है, जिस पर वो डॉक्टर उस पर ही गुस्सा करता है और मेजर को धमकाता है कि वो बाहर जाकर इस लैब में हो रहे रिसर्च और वायरस के बारे में न्यूज वालों को बता देगा। पर तभी मेजर चाकू से उसकी हत्या कर देता है और उसकी लाश को बर्फ में ही दफना देता है। दूसरी ओर आइसोलेशन रूम में हेवन की हालत खराब होने लगती है, जिसे देखने के लिए सारा अंदर जाती है, पर उसे धोखे से हेवन पकड़ लेता है और फिर सुलेमानी ब्रीस और हेवन वहां से भाग जाते हैं। वहीं उधर हम हिरोशी को अपनी आंखों से लेंस निकालते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसकी आंखें बहुत ही डरावनी दिखाई देती है। वहीं इस तरफ जूलिया बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी उसके पास पीटर आ जाता है, जिसे अचानक में देखकर जूलिया डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर पीटर अंत में उसे पकड़ ही लेता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और फिर उसके मुंह में वही काला लिक्विड डाल देता है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ही एपिसोड 2 भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब सीरीज के तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम एलन को देखते हैं, जो बाथरूम में बेहोश पड़ी जूलिया को उठाकर होश में लाता है और उसका बेहोश होने का कारण पूछता है, पर जूलिया उससे
उसे झूठ कहती है कि उसे याद नहीं है कि वो बेहोश कैसे हुई। इसलिए अब एलन उसे आराम करने के लिए कहता है। पर जब एलन बाहर आता है तो वो एयरडक में कुछ आवाज सुनता है, इसलिए वो बगल के कमरे में जाता है जहाँ पर अचानक से पीटर उसके सामने आ जाता है और वो एलन से मदद की मांग करता है, जो कहते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब इसके बाद एलन पीटर को लेकर आइसोलेशन रूम में आता है, जिसे देखकर हिरोशी एलन पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने सिक्योरिटी टीम को क्यों नहीं बुलाया। जिस पर एलन हिरोशी को समझाता है कि पीटर ने बिना हमले किए सरेंडर कर दिया था। अब इसके कुछ देर बाद एलन मेजर और डैनियल लेवल आर की जांच करते हैं, जिसे देखकर एलन डैनियल से लेवल आर को वायरस से इन्फेक्टेड मरीजों के लिए आइसोलेशन रूम में बदलने के लिए कहता है। दूसरी ओर जूलिया बाथरूम में जाकर पीटर के बारे में सोचती है और अपने बॉडी को भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड देखकर डर जाती है, जो सिर्फ उसका एक भ्रम था। उधर एलन और डैनियल जब हिरोशी से बात कर रहे होते हैं कि तभी हिरोशी के सामने अचानक से डॉक्टर सुलेमानी आ जाती है और हिरोशी से मदद की मांग करती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख के घबराहट में डैनियल उसके पेट में गोली मार देता है, जिस पर एलन उस पर काफी गुस्सा करता है और साथ ही सुलेमानी के पेट से गोली को निकाल कर उसे ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है, जिसके बाद वो डैनियल को समझाता है कि वो फिर से किसी भी मरीज को चोट ना पहुंचाए। दूसरी ओर जूलिया आइसोलेशन रूम में आकर पीटर से सवाल करती है कि उसने उसके साथ क्या किया था, पर तभी बाहर एलन आ जाता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, जिसके बाद एलन जूलिया और सारा को लेवल आर को आइसोलेशन रूम में बदलकर सभी लोगों का टेस्ट करने के लिए कहता है और फिर डोरियन से बंदर के टेस्ट का रिपोर्ट मांगता है, जिस पर डोरियन कहती कि वो अब भी उस पर काम कर रही है। अब इसके बाद जब जूलिया और सारा लैब में काम कर रहे होते हैं तो वहां पर सारा का हाथ कांपने लगता है, जिसे जूलिया देख लेती है और उससे उसका कारण पूछती है। तब सारा बहाना करती है कि लगातार काम करने से ऐसा हो रहा है। उधर डोरियन मेजर के साथ बंदर के लाश के पास जाती है, जहां वो देखती कि किसी ने उस बंदर की लाश को गायब कर दिया है, जिसके लिए वो हिरोशी पर गुस्सा करती है। तब मेजर उसे बताता है कि वो उसे बंदर का सैंपल दिला सकता है, इसलिए अब दोनों उस बेस के बाहर जाते हैं जहाँ पर सब बंदर बर्फ में जम गए थे, और फिर मेजर एक बंदर से सैंपल निकालकर डोरियन को दे देता है और उसे पता करने के लिए कहता है कि क्या ये वायरस हिरोशिना ने बनाया है। दूसरी ओर एलन और डैनियल को डॉक्टर ब्रीज के बारे में पता चलता है, जो एक दरवाजा को कुल्हाड़ी से तोड़ रहा था। अब वहां जाकर एलन उसे समझाता है और वापस से आइसोलेशन रूम में चलने के लिए कहता है, पर इस पर ब्रीज उस पर ही कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है, जिस गुस्से में डैनियल उसे इलेक्ट्रिक रॉड से शॉक देकर बेहोश देता है। वहीं उधर लैब में डोरियन बंदर का सैंपल पर टेस्ट करती है, जिससे वो सैंपल अजीब से चीजें में बदल जाता है और तेजी से फैलने लगता है, इसलिए डोरियन उसे फ्रीज कर देती है और मेजर को समझाती है कि इस बात को एलन को बताना होगा। पर इस पर मेजर उसे एलन को बताने से रोकता है और कहता है कि वो आर्मी के एक सीक्रेट मिशन पर है, इसलिए जो भी रिपोर्ट में मिलेगा वो किसी दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए डोरियन उसकी बात को मान जाती है। वहीं लेवल आर में जूलिया एलन और सारा सभी लोगों का टेस्ट कर रहे थे और इन्फेक्टेड लोगों को आइसोलेशन के लिए अलग कर रहे थे। उधर डैनियल सुलेमानी की हालत को चेक करने जाता है, पर सुलेमानी अचानक से उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिराकर वहां से भाग जाती है, जिसके बाद डैनियल देखता है कि सुलेमानी ने ब्रीज की हत्या कर दी है। दूसरी ओर लैब में सारा का हाथ फिर से कांपने लगता है, जिस पर जूलिया फिर से सवाल करती है, जिस पर सारा उसे तुरंत अपना टेस्ट करके नेगेटिव रिजल्ट दिखाती है और फिर वो चुपचाप बाहर चली जाती है। पर इसके बाद जूलिया भी अपना टेस्ट करती है और टेस्ट किट को अपने पास रख लेती है, और तभी वहां पर डैनियल आकर उन्हें खबर करता है कि सुलेमानी इन्फेक्टेड है और भाग गई है, जिसे सुनकर वहां पर सभी भागने लगते हैं और तभी जूलिया के पीछे सुलेमानी आकर एक गार्ड को मार देती है, जिसे देखकर एलन उसे वहां से भागने के लिए कहता है, पर जूलिया सुलेमानी को देखकर भाग नहीं पाती और अपने आप को भी उसी हाल में सोचने लगती है। और तभी डैनियल गन निकाल लेता है, पर उस भगदड़ में उसका गन नीचे गिर जाता है, जिसे एलन उठा लेता है और फिर सुलेमानी के सिर पर गोली मार देता है,
जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाती है। इसके बाद एलन जूलिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर तब जूलिया उसे अपने हाथ पर काला लिक्विड दिखाकर रिवील करती है और कहती है कि वो भी इन्फेक्टेड है और लेवल आर में ही रुकने की विनती करती है। वहीं बाहर आने पर हिरोशी एलन से जूलिया के बारे में पूछता है, जिस पर एलन उसे खबर करता है कि वो इन्फेक्टेड है और लेवल आर में ही रुक गई है। जिस पर फिर डैनियल हिरोशी से लेवल आर को सील करने के लिए कहता है ताकि वायरस बाहर ना फैले। जिस बात पर एलन भी सहमत हो जाता है और फिर हिरोशी से कहता है कि जब सैटेलाइट का नेटवर्क आ जाएगा तब वो CDC को रिपोर्ट कर देगा और फिर बैकअप के लिए आर्मी को बुलाएगा। जिसकी बात को सुनकर मेजर थोड़ा परेशान दिखने लगता है। दूसरी ओर जूलिया लेवल आर में अपना टेस्ट किट देखती है जिसमें उसका रिजल्ट नेगेटिव बता रहा था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि टेस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है और तुरंत उसकी खबर देने के लिए वो लैब में एलन के पास कॉल करती है। और जैसे ही वो एलन को बताने की कोशिश करती है उसी समय मेजर बाहर आकर बॉम्ब से सैटेलाइट टावर डिश को ब्लास्ट कर देता है जिसके कारण जूलिया का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और यहीं पर इस सीरीज का तीसरा एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।